हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके परिवार सक्सेस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत। जैसा कि आपको पता होगा कि इतिहास के तीन भाग हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है जेम्स मिल, उनके अनुसार प्राचीन भारत का इतिहास हिंदुओं का काल रहा है, मध्यकालीन भारत का इतिहास मुसलमानों का काल रहा है और आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेजों का काल रहा है, यानी अंग्रेज शासन किए थे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो हम यह जानना शुरू करेंगे कि प्राचीन भारत में चूँकि हिंदू लोग था, अब मध्यकालीन में मुस्लिम का शासन आ गया, तो हिंदू से मुस्लिम का शासन कैसे आया, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैप को देख लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे, यह मेरा भारत है, ठीक है। लेकिन पहले यह भारत की नक्शा मैप इस ढंग से नहीं थी, ठीक है। ये वर्तमान मैप है। पहले इधर आपका था, इधर बांग्लादेश सहित श्रीलंका सहित पूरा भारत था, ठीक है। इसे हम बता दें कि भारत के नीचे ये हिंद महासागर है, ऊपर में उत्तर से पूर्व की ओर जो ये आपका राउंड शेप में जो दिख रहा होगा, ये है, यह जो है हिमालय पर्वत है। तो निश्चित रूप से यह समझ सकते हैं कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी जो होंगे वह इसी एरिया से भारत में प्रवेश करेंगे। यानी जो मुस्लिम आक्रमणकारी होंगे, जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी होंगे, वे भारत के उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश किए हैं, यानी पश्चिमोत्तर दिशा से प्रवेश किए हैं, ठीक है। इवन इससे पहले प्राचीन भारत में भी जो हम पढ़े थे तो उसमें सिकंदर भी भारत में प्रवेश किया था, तो इसी दिशा से प्रवेश किया था भारत में, है ना। तो मुस्लिम आक्रमणकारी जो भी हुए, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले 712 में भारत पे आक्रमण किया था सिंध पर, ठीक है, तो वो भी इसी दिशा से भारत में प्रवेश किए हुए। इसी चीज़ को हम आते हैं वर्ल्ड मैप में देखते हैं। यह जो मैप यहाँ दिख रहे हैं वही मैप यहाँ पर है, ठीक है। और जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में प्रवेश किए हैं सब इधर से किए हैं, यही ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा गोल एरिया, यहीं से दिए हैं। आपको हम बता दें उस समय जो भी विश्व था ये सब नहीं था, ये आपको जो दिख रहा है ये सब नहीं था। कुल विश्व लगभग इतना ही एरिया में था, जिसमें इधर में सबसे लास्ट भारत था और इधर स्टार्टिंग में ये सब एरिया था, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि इधर का जितना भी एरिया है मुस्लिम एरिया है, यहीं से ही मुस्लिम जो है भारत में प्रवेश किया था, आक्रमणकारी के रूप में था। और मुस्लिम का मूल उद्देश्य यह था कि भारत में धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। दरअसल सच्चाई ये है कि मुस्लिम लोग यहाँ पे अगर हम देखें, भारत अति धनी धन दौलत से भरा पड़ा था भारत, जबकि यहाँ धन दौलत की कमी थी, मुस्लिम यानी गरीब लोग थे, ठीक है। और यही गरीबी को दूर करने के लिए भारत पर उनकी बुरी नज़र पड़ी और भारत को टारगेट बनाया और भारत पर हमला करने की सोचा, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत में प्रवेश किया था 712 में, वो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो इसी तरफ से भारत में प्रवेश हुआ। इधर हम बोलेंगे आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सारा शहर इधर है, सब मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, सारा मुस्लिम कंट्री है। और मुस्लिम कंट्री निश्चित रूप से भारत से गरीब था, इसीलिए धन दौलत को लूटने के पर्पस से भारत में प्रवेश किया, वो भी उत्तर और पश्चिम की दिशा से प्रवेश किया। इधर से नहीं कर सकता है क्योंकि इधर से हिमालय पर्वत है, नीचे हिंद महासागर है, चूँकि उस समय नाव जहाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो चलिए हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। में अगर हम आपसे पूछें कि कितने आक्रमणकारी हुए, तो दो आक्रमणकारी हुए। पहला हो जाएंगे अरब आक्रमणकारी और दूसरा हो जाएंगे तुर्क आक्रमणकारी। पहला होंगे अरब आक्रमणकारी और दूसरा हो जाएंगे तुर्क आक्रमणकारी हो जाएंगे। अरब देश से आया है इसलिए अरब आक्रमणकारी हो जाएंगे, यह तुर्क देश से आया है इसलिए तुर्क आक्रमणकारी हो जाएंगे, ठीक है। अब तुर्क जो है मुस्लिम की एक जाति भी है, ठीक ना, मुस्लिम को भी बहुत सारे भागों में बांटा गया है मुस्लिम जाति को भी, जिसमें एक तुर्क मुस्लिम भी है जिसे इलबरी तुर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलबरी तुर्क, ठीक है। यह मुस्लिम जाति में एक भाग होता है, प्रकार है,
ठीक है। आते हैं अरब आक्रमणकारी की ओर देखें तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में प्रवेश किया था। तो पहले जान लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। देखिए मोहम्मद बिन कासिम को दरअसल मोहम्मद बिन कासिम को बगदाद के खलीफा अलवाजिद ने आदेश दिया कि आप जाइए, यही अच्छे समय है और भारत पर आक्रमण कीजिए। तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में है ना मकरान के रास्ते भारत पे प्रवेश किया है ना, और सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। उस समय दाहिर सिंध पर शासन कर रहा था और दाहिर को पराजित किया, यानी 712 में सिंध को जीत लिया। उसके बाद 713 में मुल्तान को भी जीत लिया, और इस तरह सिंध को भी जीतने के बाद मुल्तान को भी जीतने के बाद उसको लगा कि हम भारत में अपना आधिपत्य जमा सकते हैं, इसीलिए उसने अपनी राजधानी अलमंसूरा को बनाया। चूँकि मोहम्मद बिन कासिम जो भी मुस्लिम लोग भारत में प्रवेश किए थे वह उनके पास धन दौलत की कमी थी, पैसा वैसा नहीं था, उन्होंने एक रास्ता निकाला कि पैसा कैसे कमाया जाए। इसमें एक दिमाग लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने और एक कर लागू किया, टैक्स लागू किया कि हम कैसे पैसा हम हिंदुओं से लें। तो वह टैक्स का नाम है जजिया कर। सर्वप्रथम आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम। अब जानते हैं जजिया कर क्या था। तो जजिया कर एक गैर मुस्लिम कर था, यानी जजिया कर मुस्लिम पर लागू नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। चूंकि हिंदुओं का शासन था भारत में, पूरे हिंदुओं से भरे पड़े थे, भारत की जनसंख्या में हिंदू ही थे, मुस्लिम नहीं थे, और वो लोग मुस्लिम थे और जो भी कर लागू करेंगे हिंदू पर करेंगे, क्योंकि पैसा अगर है किसी के पास तो हिंदू के पास है, दिमाग तो लगाएगा कि कैसे हम पैसा कमाएं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया, वह एक प्रकार का गैर मुस्लिम कर था, यानी मुस्लिम पर लागू नहीं होगा, सिर्फ हिंदू पर लागू होगा, और यह एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदुओं पर कोई मुस्लिम अगर अत्याचार कर रहा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी होगी, यानी मोहम्मद बिन कासिम की होगी। उसके बदले में जजिया कर के रूप में हिंदू है ना कुछ धन देगा, किसको, मोहम्मद बिन कासिम को। यही था जजिया कर। तो सबसे पहले हमने पढ़ ले अरब आक्रमणकारी में मोहम्मद बिन कासिम हुए, अरब के खलीफा अलवाजिद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में दाहिर को पराजित कर सिंध को जीत लिया और 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता, ठीक है, राजधानी अलमंसूरा को बनाया, जजिया कर लगाया जो गैर मुस्लिम कर था। यह जजिया कर क्यों लगाया था, मेन मकसद था पैसा कैसे कमाया जाए, ठीक है। अपने आप जब तक उसके पास किसी शासक के पास पैसा नहीं होगा वह मजबूत शासक नहीं बन सकता है, उसके पास मजबूत सेना नहीं हो सकती है, पैसे होंगे तभी मजबूत सेना उसके पास होंगी। उसके बाद जजिया कर लागू किया। अब जजिया कर से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए जजिया कर लागू किया, यह एक प्रकार का गैर मुस्लिम कर था। कर में छूट किसको किसको दिया है ना, ये देख लेते हैं। तो जजिया कर में छूट था महिला, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग और ब्राह्मण, यानी पांच को छूट दिया। कितने को छूट दिया, पांच, जिसमें महिला, उसके पास पैसा आएगा कहाँ से, तो गृहिणी है, बच्चे, वही पैसा तो नहीं कमाएंगे, बच्चे हैं, विकलांग है, उसके पास ही पैसा नहीं होंगे तो उसको भी छूट दिया है ना, बूढ़ा तो बूढ़े हो चुके हैं, उसके पास ही पैसा नहीं होंगे तो उसको भी छूट, और ब्राह्मण के बारे में यह सोचता कि खुद भारत के हिंदू के सामने ब्राह्मण जो है खुद हिंदू के सामने में हाथ फैलाए बैठा रहता है ना, माने हिंदू देगा तो ब्राह्मण खाएगा, नहीं तो भूखे मर जाएगा, यह सोचता, यही कारण था ब्राह्मण पर भी छूट दिया गया है ना। लेकिन आगे चल के ब्राह्मण पर भी टैक्स लगाया गया। देखिए ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक, FST बोलते हैं, F से फिरोज, S से शाह, T से तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसके पीछे भी कुछ कहानी है कि ब्राह्मण पर जजिया कर क्यों लगाया, लेकिन जब FST यानी तुगलक वंश पढ़ेंगे तब वहां हम बताएंगे कि FST ने ब्राह्मण पर जजिया कर क्यों लगाया। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया कौन, अकबर ने। पहले यहां तक रिकॉल कर लेते हैं जजिया कर के बारे में। भारत में जजिया कर लागू करने वाला प्रथम शासक कौन हुए, मोहम्मद बिन कासिम हुए। जजिया कर में छूट किसको किसको था, तो महिला, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग और ब्राह्मण को छूट था। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर कौन लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया,
उसके बाद सबसे पहले जजिया कर को समाप्त कौन किया, तो 1564 ईस्वी में अकबर ने समाप्त कर दिया था जजिया कर, ठीक है। अकबर जजिया कर समाप्त कर दिया, फिर अकबर के बाद औरंगजेब आए तो जजिया कर को पुनः लागू कर दिया, ठीक है। फिर पुनः लागू करने के बाद औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता है, ठीक है, उन्होंने जजिया कर को पूर्णतः पूरी तरह से समाप्त कर दिया, ठीक है। और मोहम्मद शाह पढ़ने के बाद हमारा आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है, यानी अंग्रेज प्रवेश कर जाते हैं। तो निश्चित रूप से जजिया कर समाप्त होना ही था मोहम्मद शाह के बाद, मोहम्मद शाह के समय, ठीक है। पढ़ लीजिए, ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया फिरोज शाह तुगलक ने, सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया कौन, अकबर। 1564 में क्या था, अकबर जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया, मोहम्मद शाह ने किया, रंगीला बादशाह। मूल उद्देश्य यानी मोहम्मद बिन कासिम जो भारत में आक्रमण किया उनका मूल उद्देश्य क्या था, उनका मूल उद्देश्य यही था कि धन दौलत भारत में लूटना और अपने धर्म यानी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। क्योंकि भारत में हिंदुओं का शासन था पहले, ठीक है। आगे देखो, लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन कासिम का शासनकाल ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, इनको वापस जाना पड़ता है, ठीक है। तो अरब आक्रमणकाल में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बस इतना ही पढ़ना है, इसके आगे हम देखेंगे। तो तुर्क आक्रमणकारी में दो आक्रमणकारी हुए, एक हो जाएंगे अल्पतगिन, सुपुतगिन, मोहम्मद गजनबी, ये तीनों एक ही वंश से संबंधित है, जिसको हम बोलते हैं गजनी साम्राज्य, ठीक है। तो तुर्क आक्रमणकारी में गजनी साम्राज्य को पढ़ेंगे, उसके बाद मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए देखते हैं, गजनी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। गजनी साम्राज्य की स्थापना 932 ईस्वी में अल्पतगिन ने किया है, ठीक है। गजनी साम्राज्य की स्थापना, या गजनी वंश भी बोल सकते हैं, गजनी वंश या गजनी साम्राज्य, या इंग्लिश में बोलेंगे गजनी डायनेस्टी की स्थापना 932 में अल्पतगिन ने किया था। अल्पतगिन के बाद शासक बना सुपुतगिन, सुपुतगिन अल्पतगिन का दामाद था। उसके बाद सुपुतगिन के बाद मोहम्मद गजनबी बना, उसका पुत्र था, यानी सुपुतगिन का पुत्र था, इसका अर्थ यह हुआ अल्पतगिन का नाती ही होगा ना मोहम्मद गजनबी। अल्पतगिन जब गजनी समाज की स्थापना किया था तो राजधानी किसको बनाया, गजनी को राजधानी बनाया। गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा 27 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद गजनबी। देखिए मोहम्मद गजनबी जब 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा, इससे पहले मोहम्मद गजनबी खुरासान का शासक था, ठीक है, और मूर्ति को तोड़ना इसका पेशा बन गया था। और इस तरह 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था कौन, मोहम्मद गजनबी। मंदिर को ही ज़्यादा इन्होंने अटैक किया है, ठीक है, इसीलिए भारत का मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है मोहम्मद गजनबी को। आगे देखते हैं कि सबसे पहले कहाँ किया था। देखिए गजनबी ने 1000 से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। मुख्य उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का, तो मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना था। भारत का मूर्ति भंजक आक्रमणकारी मोहम्मद गजनबी हुए, जैसा कि आपको हमने बताया। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर के कुछ भागों को जीत लिया, यानी पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया, ठीक है, कौन, मोहम्मद गजनबी। मतलब लगातार जीतते ही गया है, ठीक है, मोहम्मद गजनबी लगातार जीतते ही गया है, हारा नहीं है, ठीक है। तो पहला आक्रमण मोहम्मद गजनबी का, पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण और 1025 का आक्रमण और अंतिम आक्रमण, ये चार आक्रमण इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखने हैं आपको, बाद बाकी कोई याद नहीं रखना है। 17 आक्रमण में पहला आक्रमण हुआ था, पेशावर के विरुद्ध हुआ था और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था 1000 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण किया था, पंजाब के राजा यानी शासक जयपाल को पराजित कर लिया था और पंजाब को भी जीत लिया था दूसरा आक्रमण में, 1001 यानी 1001 ईस्वी में, है ना, दूसरा आक्रमण था, पंजाब के शासक जयपाल को पराजित किया और पंजाब को भी जीत लिया, यानी पेशावर को भी जीता, पेशावर के कुछ भागों को भी जीत लिया, इधर पंजाब को भी जीत लिया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण आक्रमण है वह 16वां आक्रमण है। देखो सबसे चर्चित आक्रमण 1025 यानी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा, सबसे चर्चित आक्रमण हुआ किसका, मोहम्मद गजनबी का हुआ। सोमनाथ मंदिर को जब लूट रहा था तो वहाँ के शासक भीम प्रथम थे। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो गुजरात में है, और उस समय गुजरात का शासक कौन था, भीम प्रथम था,
भीम प्रथम भी कुछ नहीं कर पाया मोहम्मद गजनबी को। 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ, किसका? मोहम्मद गजनबी का। जाटों के विरुद्ध क्यों हुआ? क्योंकि जब 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी सोमनाथ मंदिर को लूट कर जो भी धन दौलत ले जा रहा था, तो रास्ते में जाटों ने मोहम्मद गजनबी पर आक्रमण कर धन दौलत लूट लिए थे मोहम्मद गजनबी के हाथों। इसलिए अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में, यानी 17वां आक्रमण है ना, 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ और जाटों पर विजय प्राप्त की इनको मोहम्मद गजनबी। ठीक है, फिर आगे मोहम्मद गजनबी की मृत्यु कब आती है? 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। तो कुल मोहम्मद गजनबी की हिस्ट्री इतना ही जानना है, इससे अधिक जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और बात जानना है कि मोहम्मद गजनबी के दरबार में बहुत सारे कवि रहते थे, जैसे अलबर्नी, फारूकी, उतबी, फिरदौसी भी रहते थे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिख लें हम फिरदौसी। और इन्होंने अलबर्नी में भी कुछ पुस्तक लिखे हैं, फारूकी भी कुछ पुस्तक लिखे हैं, उतबी भी पुस्तक लिखे हैं, फिरदौसी भी पुस्तक लिखे हैं। तो जो भी पुस्तक लिखे हैं, अलबर्नी लिखे, फिर फारूकी लिखे, उतबी लिखे, फिरदौसी लिखे, जो भी पुस्तक लिखा गया होगा सब मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में ही लिखा गया होगा, और उसमें निश्चित रूप से मोहम्मद गजनबी के बारे में लिखा ही गया होगा। ठीक है, यह ध्यान में रखेंगे। देखिए, अलबर्नी जो है अरबी लेखक है। अलबर्नी ने दो संस्कृत पुस्तक को अरबी में अनुवाद किया है, पहला हो जाएगा सांख दर्शन, ठीक है, दूसरा हो जाएगा महाभाष्य। सांख दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन हो जाएंगे, इसके प्रवर्तक हो जाएंगे कपिल मुनि, और महाभाष्य के लेखक हो जाएंगे पतंजलि। ठीक है, और पतंजलि जो है किसके प्रवर्तक है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक भी है पतंजलि। ठीक है, आगे देखो, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? अलबर्नी है, ये भी याद रखोगे। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? अलबर्नी हो जाएंगे। ठीक है, फिर फिरदौसी की बात करेंगे तो फिरदौसी भी पुस्तक लिखे हैं, जैसे शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। और निश्चित रूप से जो भी पुस्तक लिखे गए हैं अलबर्नी, फारूकी, उतबी और फिरदौसी के बारे में, उसमें मोहम्मद गजनबी के बारे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसकी चर्चा मिलेगी ही। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग को आज हमने पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और मोहम्मद गजनबी के बारे में। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, मोहम्मद बिन कासिम भी भारत में जो है अपना आधिपत्य नहीं जमा सका, और मोहम्मद गजनबी का मूल उद्देश्य धन दौलत ही लूटना था, विशेष कुछ नहीं था। ठीक है, इसीलिए ये भी मैंने भारत पर आधिपत्य नहीं जमा सका, लेकिन मोहम्मद गौरी जो है इसका मूल उद्देश्य ही था भारत पर आधिपत्य जमाना, और ये सफल हो जाता है मोहम्मद गौरी। इसके बारे में अगले क्लास में नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।